जो जमहूरियत है, इस जमहूरियत को सही तरीके से चलाने के लिए और इस देश के अंदर एक सही कानून और एक सही लॉ लाने के लिए आज का एक ये जो 73rd रिपब्लिक डे यहाँ पर मना रहे हैं, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबुल फर्नीचर, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल एंड बाय एसआर कॉन्टिनेंटल होटल। आज हम लोग यहाँ पर ये परचम कुशाई करते हुए यहाँ पर ये अजम लेकर चलना है कि जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने जो कुर्बानियां इस देश को आजादी दिलाने के लिए दी थी, आज हमें भी वक्त की जरूरत है उसी आजादी को संभालते हुए, उसी आजादी की हिफाजत के लिए, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए हमें लड़ने की जरूरत है। आज देश में देख सकते हैं आप, आज हम लोग जो रिपब्लिक डे मना रहे हैं, आज से 72 साल पहले इस देश का कानून, इस देश का संविधान बना था। उस संविधान के पहले वर्क, पहले चैप्टर में, पहले लेसन में लिखा गया था कि यहाँ के रहने वाले वो तमाम शहरियों को, चाहे वो इस देश के अंदर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं पर भी कोई भी एक अदना सा इंसान रहता हो, चाहे वो इस देश का रहे या ना रहे, चाहे वो किसी भी देश का हमारे देश में रहता हो, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी इस देश की, इस देश के दस्तूर की है। इस देश का दस्तूर कहता है यहाँ पर आपके अपने बिलीफ्स के साथ, आप अपने मजहब के साथ, आप अपनी आजादी के साथ, अपने वो तमाम चीजों के साथ अपनी जिंदगी यहाँ पर गुजार सकते हैं। ये तमाम चीजें इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। उसी के बाद आज से 72 साल पहले पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो कानून के जानकार लोग, ये लोग मिलकर इस संविधान को अमल में लाए और इस संविधान के नाम पर शपथ लेकर इस देश को एक बहुत बड़ा संविधान दिया। ये जो संविधान है, ये संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अजीम संविधान है। और इस अजीम संविधान के अंदर जिस तरीके से नॉन मुस्लिम, जो हिंदुओं को जो आजादी दी गई है, वही आजादी मुसलमानों को दी गई है, जो आजादी दलितों को दी गई है, वही आजादी सिखों को दी गई है, क्रिश्चियनों को दी गई है, तमाम रहने वाले जो मजहब को नहीं मानते उन तमाम लोगों को भी आजादी दी गई है। तो ऐसा एक अजीम दस्तूर है हिंदुस्तान का दस्तूर। उसी दस्तूर के दिन जो दस्तूर अमल में आया, उसी दस्तूर के अमल आए हुए दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। आज वक्त की जरूरत है, जिस तरीके से जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ ईट, जो राइट ऑफ स्पीक, ये तमाम चीजें जो हम लोगों को दी गई है, उन तमाम चीजों को छीनने की कोशिश की जा रही है ये फैसिस्ट सरकार की तरफ से। ये जो आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है, ये लगातार हमारी बात को, हमारे संविधानिक अधिकारों को कुचलने और दबाने की कोशिश कर रही है। तो हमें यहाँ पर एसडीपीआई आज पूरे मुल्क भर में परचम कुशाई करते हुए साथ ही साथ सेव द रिपब्लिक बोलकर कैंपेन कर रही है और उसके हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अलग अलग प्रोग्राम्स कर रही है, इसीलिए कि दस्तूर को अगर बचाएंगे तभी हम लोग यहाँ के लोगों को बचा सकते हैं, यहाँ के इस देश को बचा सकते हैं। देश को बचाना है तो दस्तूर को बचाना जरूरी है। तो ये जो 26 जनवरी है, ये वही दिन है जो देश आजाद होने के बाद हमें एक गिफ्ट के तौर पर आवाम को मिला कि ये देखो एक गिफ्ट है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, जो इसके जरिए से हम देश को चलाएंगे। हम सब लोगों ने उस टाइम पे, हमारे बड़े बुजुर्गों ने वादा किया था कि ये देश किसी एक ही मजहब का, किसी एक ही जात का या किसी एक जबान का मजहब मुल्क में होगा, ताकि तमाम लोगों का देश होगा। तो उसी कसम को निभाते हुए हम उनकी नस्लें हैं, हम वो कसम आज भी बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो कसम हम लोगों ने ली है, इस कसम को
इस कॉन्स्टिट्यूशन को निकालने की, इस कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने की बात कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbu Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.